दोस्तों, अगर आप स्पोर्ट्स के फैन हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स कैन को और दबाई उस बेल आइकन को ताकि आपको स्पोर्ट्स के रिलेटेड न्यूज मिले सबसे पहले। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया सेकंड ओडीआई मुकाबला जीत जाए तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला ओडीआई मुकाबला आज चेन्नई के स्टेडियम में खेला जा चुका है। दोस्तों, ये मुकाबला बिल्कुल एक तरफा मुकाबला खेला गया जिसमें टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 287 रन बनाए, जिससे हमें शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत और केदार जाधव की तरफ से। तो दोस्तों, आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर ने इस मुकाबले में शानदार 70 रन की पारी खेली, जबकि ऋषभ पंत ने अपनी टीम के लिए 71 रन बनाए, जबकि केदार जाधव ने भी शानदार 40 रन की पारी खेली। जबकि उनके अलावा कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं दिखा टीम इंडिया की तरफ से जो कि इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी कर सके। दोस्तों, जिसके बाद चेस कनौती वेस्टइंडीज टीम की स्वाद बहुत ही खराब रही जब उनके शानदार ओपनिंग बल्लेबाज बहुत ही जल्दी आउट हो गए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पहले विकेट गिरने के बाद से हो पर सिमरन हिटमैन ने वेस्टइंडीज टीम को संभाला और अंत में जाके वेस्टइंडीज की टीम को ये मुकाबला जितवा दिया। तो दोस्तों, आपको बता दें कि से होप ने इस मुकाबले शानदार 102 रन की पारी खेली, जबकि हिटमैन ने अपनी टीम के लिए शानदार 139 रन बनाए। इसके चलते वेस्टइंडीज की टीम ने यह मुकाबला 8 विकेट से जीत लिया। तो दोस्तों, आपको बता दें कि वेस्टइंडीज की टीम ने पहला ओडीआई मुकाबला जीतकर 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगला मुकाबला खेला जाएगा 18 दिसंबर को जो कि विशाखापट्टनम के स्टेडियम में होगा। दोस्तों, अगर आप भी इस मुकाबले की हाईलाइट देखना चाहते हैं तो आप हॉटस्टार की ऐप पे बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपके मुताबिक टीम इंडिया सेकंड ओडीआई मुकाबले जीतेगी कि नहीं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको टीम इंडिया से जुड़ी हर अपडेट मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में।